आंटी बैठो। वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। डीजल पेट्रोल के दाम कम ना कर सके। वो सरकार बदलनी है, डीजल पेट्रोल के दाम कम ना कर सके। वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज तलाबती लो ब्लॉक और वार्ड नंबर 30 नंबर वार्ड की तरफ से मैडम जो सोनिका शर्मा कारपोरेटर और संजीव शर्मा प्रधान यहाँ गए हैं, उनकी नेतृत्व में आज यहाँ पे पूरी पार्टी की लीडरशिप जनरल सेक्रेटरी मनमोहन सिंह जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट योगेश साहनी जी की अध्यक्षता में आज रजनीश शर्मा जी की अध्यक्षता में ये धरना यहाँ पे है। और ये प्रोटेस्ट धरना बढ़ती हुई महंगाई को देख के यहाँ पे किया गया। आज तो 98 रुपये प्रति लीटर तेल की कीमत बॉम्बे में यहाँ पे होगी, और जब भी यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसके एलाइड सेक्टर में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। मिडिल क्लास के लोग हों, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हों, जहाँ पे उनको उन पर ये घास गिरी उनका रसोई चलाना मुश्किल हो गया, और वहाँ पे ही मिडिल क्लास से संबंधित जो हमारे मुलाजमों को अभी तक भी कई जगह पे तनख्वाह तक नहीं लोग दे रहे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते थे कि इस पैसे को इकट्ठा करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप यहाँ पे कर पाएंगे, तो कहीं पे भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर में इसकी गाज सुनाई देती है। तो ये मोहल्ले वाइज प्रोग्राम, वार्ड लाइज प्रोग्राम, हर वार्ड में इसका विरोध जो है वो कांग्रेस के लीडरशिप के नीचे है। वहाँ के कारपोरेटर्स हों, हमारे ब्लॉक कमेटियाँ हों, उसकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम जो है वो जारी रहेगा, ताकि गूंगी बैरी सरकार सत्ता के नशे में सोई हुई सरकार को जगा पाए, उसका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित कर पाए, ताकि कीमतों में कमी यहाँ पे आ पाए और आम लोगों का जो गुजारा है उसके चलने के लिए कोई साधन दे पाए। आज यहाँ पे तालाब तिल्लो के अंदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक जो डिमांस्ट्रेशन किया जा रहा है, इस केंद्र की सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस जिस तरीके से लगातार उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं, उससे महंगाई इतनी बढ़ चुकी है
कि आम इंसान का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। दिन ब दिन बढ़ते पेट्रोल से कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ता है, और आज जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है आम इंसान का जीना मुहाल हो गया है। आज उसी के सिलसिले में इस सोई हुई सरकार को जो अहंकार के नशे में डूबी हुई है, जो कुंभकर्ण की नींद में सो रही है, उस सरकार को जगाने के लिए आज यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि सरकार होश में आए और जिस तरीके से ये पेट्रोल के और डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं इसके ऊपर रोक लगाई जाए, महंगाई कम हो। आगे ही आपको जिस तरीके से पता है कि ये कोविड का दौर गुजरा है, यहाँ पे सरकार लोगों को राहत देने की बजाय उनकी मुश्किलें बढ़ाती जा रही है, कब तक जनता चुप रहेगी? आज आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के उन बड़े लोगों से पूछना चाहता हूँ, बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कभी भी अगर पेट्रोल डीजल के थोड़े से भी दाम बढ़ते थे, एक जमाना वो भी था जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो पेट्रोल डीजल और क्रूड ऑयल के दाम इतने ज्यादा थे उसके बावजूद भी उन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम ज्यादा बढ़ने नहीं दिए। तब भी जो इनके जो आज जो लोग जो पार्लियामेंट में जो जाके बैठ गए हैं उस समय गले में बड़े बड़े सब्जियों के हार और वो गैस और खाली गैस सिलेंडर लेके जो धरने प्रदर्शन करते थे, संसद का घेराव करते थे, आज कहाँ है वो लोग? आज जनता पूछना चाहती है कि आज जनता में त्राही त्राही मच चुकी है और लोग इससे तंग आ चुके हैं। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो सोई हुई सरकार जागे और जनता का जो जिस तरीके से वो तंग हुए हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। धन्यवाद।